हाँ जी सर। जय माता जी। मैं बाबूदास सर, 8 PLD करणी माता मंदिर से। ये करणी माता मंदिर, इस 8 PLD जो कि गूगल से 17 किलोमीटर दूर है, और माता जी का इस जंगल के अंदर एक भव्य मंदिर है। इस मंदिर की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा की बात करें तो आज 26 साल पहले यहाँ मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा करणी माता जी की थी, और 1 वर्ष पहले नागरिक जी माता जी की मूर्ति स्थापना यहाँ हुई। ये मंदिर की बात करें तो ये मंदिर 1980 से यहाँ पे दाता श्री 108 पुष्पा भाई साहब यहाँ से माँ करणी जी की भक्ति करते हैं, और देशों के बाद इस पश्चिमी राजस्थान में सबसे बड़ा और भव्य मंदिर है करणी माता जी का, जहाँ हर वर्ष 23 मई को जागरण का आयोजन होता है, जहाँ पर हजारों लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुँचते हैं। बात करें इस छोटे से स्थान पर तो ये बहुत बड़ा चमत्कार स्थान है। यहाँ पर हम बड़ी से बड़ी बीमारियाँ, कैंसर, लकवा, अपंग, शुगर जैसी हजारों बीमारियों और गुर्दे जैसी बीमारियों, मैंने अपनी आंखों से देखी, रोगी जिन्हें डॉक्टर ने मना कर दिया या निश्चित रूप से वो एकदम तैयार हो गए, और ये व्यक्ति जिनके बिल्कुल शादी के बाद 20-30 साल तक संतान नहीं हुई, उन्हें इस मंदिर पर संतानें प्राप्त हुई हैं, और माते सभी ने बहुत सारे अनगिनत चमत्कार इस मंदिर पर दिए, और बड़ी श्रद्धा से यहाँ आते हैं। और इस जंगल के अंदर लाइट, पानी, रोड, धर्मशाला, संपूर्ण व्यवस्थाएं, यहाँ भोजन का भंडारा भी है, और कभी भी आए तो यहाँ पे भोजन की व्यवस्था रहती है। और 23 मई को रात्रि को हर वर्ष भव्य जागरण का आयोजन होता है, करणी माता और नागरणी माता की मूर्ति यहाँ चित्र जिनकी पूजा सुबह शाम की जाती है। यहाँ से 5 किलोमीटर दूर आवड़ माता का मंदिर है, जो इसी वर्ष एक इस मंदिर से नई परंपरा शुरू हुई है, वो यहाँ से आवड़ माता के मंदिर के लिए 5 किलोमीटर शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जो कि 23 मई से एक दिन पहले 22 मई सुबह निकाली जाएगी, और आज के बाद हर वर्ष ये निकाली जाएगी। आज 22 मई 2023 को ये परंपरा प्रारंभ की जा रही है अन्नदाता श्री पुष्पा भाई साहब के कार्यक्रमों से और हजारों श्रद्धालुओं के साथ। आप सभी से आग्रह रहेगा कि इस शोभा यात्रा को और अधिक भव्य बनाने के लिए महक स्टूडियो दंतोर इस शोभा यात्रा को हमारे लाइव दिखाएंगे, और इस इनके चैनल पर ये शोभा यात्रा का वीडियो अपलोडेड किया जाएगा जो हमेशा रहेगा। तो आप सभी इस महक स्टूडियो पर लाइव आकर शोभा यात्रा को देखें और अधिक से अधिक इसे शेयर करें, ताकि घर बैठे जो श्रद्धालु जिन्हें पता नहीं है इस मंदिर के बारे में, शोभा यात्रा के बारे में, वो भी इस शोभा यात्रा के दर्शन करके अपने कर्मों को सफल बना सकें। और कल 23 मई को रात्रि को जो जागरण है उसका भी महक स्टूडियो द्वारा लाइव प्रसारण दिखाया जाएगा। जो भक्तजन किसी विशेष कारण से इस जागरण मंदिर पर कल शाम नहीं पहुंच पाए, वो इसे महक स्टूडियो दंतोर से लाइव देख सकते हैं। तो आपसे मेरा कटिबद्ध निवेदन है कि अधिक से अधिक आप इस चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और कल शाम 8 बजे से इस चैनल पर आना न भूलें, और अवश्य ही इस महक स्टूडियो दंतोर पर आप लाइव जागरण 8 PLD करणी माता मंदिर को अपने आंखों देखा लाइव प्रसारण जरूर देखें। धन्यवाद।